कर ली तुमने शादी शमा से। क्या? हाँ, एक धोखेबाज इंसान हो तुम। ये सिला दिया तुमने मेरी वफा का। तुम्हें किसने बोला मैंने शादी कर ली? तुम्हारी बीवी शमा। आशी पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ये सारी बातें सोच सोच के मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरी बातों पे एतबार नहीं है तुम्हें क्या? नहीं आशी, वो झूठ बोल रही है, सारी बातें झूठ बोल रही है। उसकी बातों पे एतबार है, मेरे प्यार पे, मेरी बातों पे एतबार नहीं है तुम्हें। चिल्लाओ मत, तुम एक धोखेबाज और मक्कार इंसान। उसके पास तुम्हारा उसका निकालनामा मौजूद है, उसके पास सारे सबूत मौजूद है। वो मुझे लाकर दिखाएगी, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है वो। अच्छा, सारे सबूत है उसके पास, ठीक है। अब बात आमने सामने होगी, उसको बोलो सारे सबूत लेकर यहाँ पर आए, और अगर वो सबूत नहीं लाई ना, मैं जान से मार दूंगा उसे। हाँ यही करना, जान से मार देना। और कर भी क्या सकते हो तुम? वो भोला भाला जमीर तो पता नहीं कहाँ चला गया, शैतान बन चुकी हो तुम। जान से मारोगे लोगों को, शादियां करोगे, तुम्हारा जो दिल में आए तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आशी पागल, मेरी बात तो सुनो आशी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं बता रही हूँ अदी, मैं बच्चा नहीं पालूंगी। भाई आपने कहा तो है कि वो संभाल लेंगी, तो और अगर उन्होंने कहा कि मैं नहीं संभाल रही, तुम पालो तो मैं नहीं पालूंगी। कोई मेड रख लेना, वो इसका ख्याल रख लेगी। सुनो, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। तुम मुझे यूरोप लेके जा रहे हो ना? एनीथिंग एल्स? अदील, अदील, मुझे सजेरियन से डर लग रहा है। फरा, फिर वही बात। कभी तंग घायल, कभी मंगायल, कभी तंग घायल, कभी मंगायल। एक बात बताओ मुझे फरा, क्या तुम्हें वाकई बच्चा नहीं चाहिए? तुम्हें बच्चों का जरा सा भी शौक नहीं? मुझे बच्चों की बिल्कुल जरूरत नहीं, चिढ़ है मुझे बच्चों से। मेरे गली मोहल्ले या मेहमानों के बच्चे आते थे ना, तो मैं उन्हें अपने पास भटकने नहीं देती थी। पता नहीं औरतें कैसे दस दस बच्चे पैदा कर लेती हैं और खुश रहती हैं। चार दिन की जिंदगी है, उसे एंजॉय करो, घूमो फिरो। नहीं, वो तो चाहती है कि सारी जिंदगी बच्चों को पालने में ही जाया कर दे, और ये मैं नहीं करना चाहती। हैरत है, अजीब औरत। सुनो, कहीं तुम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश तो नहीं कर रहे कि मैं बच्चा पालूं? अगर ऐसी बात है ना तो मुझे पहले ही बता दो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ। और वैसे भी तुम्हें सुबह हॉस्पिटल में एडमिट होना, सो जाओ। पक्की बात है? हाँ हाँ बाबा पक्का, सो जाओ। जब कल आएगा ना मेरा मुन्ना, सबसे पहले ये पहनेगा और फिर रात को ये पहनाऊंगी, फिर ऐसे करके गाड़ी चलाएगा। ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा।
ना पाला लगेगा मेरा बच्चा, ये पहनेगा और ये, और ऐसे 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 करके चलेगा। मुबारक हो, बेटा हुआ है। मेरा हमजा, मेरा बच्चा। मुबारक हो। तुम्हें मुबारक हो, बेटा हुआ है, हमजा आ गया। अब आप खुश हैं? ठीक हूँ, पता ही नहीं चला ऑपरेशन कब होगा। अरे लो यहाँ दे दो, क्या प्यारा लग रहा है, देखो जरा, बिल्कुल पक गया है। ए बीबी, ए क्यूटा बेबी, आई 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 प्लीज, जो मैं कपड़े लाई हूँ ना जल्दी से निकाल दो, उसके लिए मैं चेंज करवाती हूँ उसको। हेलो बेबी, हेलो मैडम बॉबी। हम घर वापस कब जा रहे हैं? छोटे मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उसने कहा कि 3 दिन बाद तुम घर जा सकते हो। देखो कैसे हंस रहा है। Thank you. मैं जमील की बीवी हूँ। 3 महीने पहले जमील ने मुझसे निकाह किया है, तो मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हाँ मैं 3 महीने पहले जमील ने मुझसे निकाह किया है। शमा, वैसे तुमने जाली निकाह नामा बनवा कैसे लिया? ये कौन सा मुश्किल काम है, चुटकी में बन जाता है, बस तालुकात होने चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि आशी के घर का चक्कर लगा ही लूं। आशी को तो ले आऊंगी मैं अपने घर, और वो मनहूस जमील डफली बजाता फिरेगा। क्यों बजाता फिरेगा डफली, मैं हूं ना। तू क्या कर ले? मैं सहारा दूंगी उसे। ये नाटक करते करते मुझे वाकई में मोहब्बत हो गई उससे। हैं? हाँ, इतना शरीफ, इतना पुरकशिश इंसान बहुत कम मिलता है जिंदगी में जो शमा की लौ को भड़का सके। बस अब तो मैं खुद तुम्हारी बेटी का घर बर्बाद करके रहूंगी। अरे शमा, वो मनहूस मारा कमबख्त पागल है,
मैंने तो किसी मजबूरी में आशी का निकाह उससे कर दिया था। वो गंदे जहन और गंदे दिल का मालिक है, पागल है, पागल। पागल नहीं है, दीवाना है। मेरी उससे सिर्फ चंद मुलाकातें ही हुई हैं। देखिए, मैंने उसका दिल पढ़ने की कोशिश की, नाकाम ही हुई होगी। बड़ा घुन्ना है वो। नहीं, वो मोहब्बत को इबादत समझ के करने वाला इंसान है। वो तुम्हारी बेटी को दिल और जान से चाहता है, वो मुझे भी इतना ही चाहे। तुम्हें पता है, अगर इतना ज्यादा प्यार, इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान किसी को मिल जाए ना, तो वो औरत खुशी से पागल होके मर जाए। तुम ही मरो भाई, मैं तो आशी को अपने घर ले आऊंगी। कल ही जाती हूँ आशी के घर। यार, एक साल में इतनी तरक्की, आखिर कर क्या रहा है भाई, कुछ मुझे भी तो बता। कारोबार मेरे भाई, कारोबार। कारोबार? कैसा कारोबार, मुझे तो बता। बात यह है कि तू भाई है, इसलिए तुझे बता रहा हूं। मुझे एक बंदे की जरूरत है, मेरे साथ लग जा। अच्छा, मैंने करना क्या है? छोटा सा काम है, ये सारी तितलियां तू ले जाता ना बरकत भाई के गैरेज पे, बस इनमें से थोड़ी सी यहां भी ले। इधर अर्शद भाई, वो आपके किस काम की है? उसे तो हम लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, आपने क्या करना उनका? स्मगलिंग मेरी जान, स्मगलिंग। क्या स्मगलिंग? भाई बात यह है कि तू मेरे साथ काम करने की हामी भरता है तो मैं तुझे बताता हूँ, वरना रहने दे। हाँ बोल। काम सीधा सा है, ये जो तितलियां होती है ना, इन्हें एक रात के लिए यहाँ शहर में रखा जाता है। अगले दिन सुबह गुलनार नामी औरत को मुल्तान में मैं पहुंचा देता हूँ। आगे अब उनका क्या करती है ये अपना सरकार नियम है। हाँ, और एक बात याद रखियो कि गुड़ जितना मीठा होगा धंधा उतना ही चमकेगा। अबे क्या सोच रहा है? अच्छा ये बात सोच कि एक साल पहले तक मैं और तू दोनों ड्राइवर थे, हैं, वैन चला रहे थे, सीएनजी की लाइन में लगे हुए, पेट्रोल की लाइन में लगे हुए, धूप। 6 महीने बाद तो वही ड्राइवर का ड्राइवर मुझे देख, लखपति हो गए हूँ, लखपति। अबे अगर थोड़े से पैसे ज्यादा बन जाए तो किसी के बाप का कुछ नहीं जाता, समझा ना? ये अर्शद भाई सीधे सीधे वही काम हुआ, वो क्या कहते हैं उसे? उसे कहते थोड़ी है, उसे करते रहते हैं। अच्छा, मैंने करना क्या है? वो मैं तुझे समझा दूंगा। कबे तंग आया, कबे मंग आया, कबे तंग आया, कबे मंग आया। तुम्हारे पास है कुछ और कहने के लिए? आशी, वो औरत झूठ बोल रही है, बहुत बड़ा ड्रामा है, वो तंग कर रही है हमें। बस उसने मुझसे खुद कहा था कि तुम्हें जाली निगरामा दिखा देगी वो। तुम झूठ बोल रहे हो जमीर। तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था, अब मैं इस घर में एक मिनट और नहीं रहूंगी। आशी? नहीं आशी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। छोड़ दो मुझे जमीर, और तुम अब इस घर में शमा को लेकर, मैं यहां एक मिनट और नहीं रुकूंगी। आशी प्लीज, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं यार। जमील, इससे तो अच्छा था कि हम गरीब ही रहते, तुम्हारी तबीयत में अयाशी तो ना थी। तुम उस बाजारी औरत से शादी ना करते। अगर मैंने शादी कर ली थी उससे तो वो सामने क्यों नहीं आती है? क्यों मुझे छुपाए फिर रही है? उसका घर जहाँ वो रहती है ना, वहां ताला पड़ा है, कहां भाग गई है वो? उसने मुझे बताया कि तुम उसे धमकियां दे रहे हो,
क्योंकि उसने तुम्हारा राज मुझे बता दिया तो तुम उसे मारने की धमकियां दोगे। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने दूसरी शादी क्यों की। अच्छा, तुमको पता है मैंने दूसरी शादी क्यों की? जरा बताओ मैंने क्यों की है दूसरी शादी? क्योंकि मिस कैरेज के बाद डॉक्टर ने कहा कि शायद मैं दोबारा मां ना बच सकूं। यही एक कमी थी मुझे और इसी बात का डर था मुझे। नहीं आशी, तुमने बहुत गलत समझा मुझे। अगर तुम्हें बच्चे के लिए दूसरी शादी करनी थी तो तुम मुझे बता तो देते, मुझे ऐसे धोखा तो मत देते। आशी, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो तुम्हें क्या बताऊं मैं? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? एक बात जब हुई नहीं है तुम क्यों बतंगड़ बना रही हो उस बात का? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? था भरोसा, बहुत था, अब टूट गया। जो मेरे गुमान में भी ना, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से जमील। मेरी खुशियों का बना वो कातिल, लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। मेरे जुर्म की थी वो एक सजा, जो समर पर आए शजर का था, कोई बेनिशान सितारा वो किसी दागदार सहर था, जहाँ गुल बिखर गया बिलखिले, वहाँ मातम क्या करे टूटा दिल। देखो कितना खुश रहता है मेरे पास। पापा आप इसी तरह खुश रहे। मुझे पता है आसिफ से बात के लिए मैं अमेरिका जा रही हूँ, तुम बस मेरी टिकट करवा दो। बाजी जी कौन सा झूला लाना है? अरे वही जो मेरे कमरे में है, और इस लाउंज को ना खिलौनों से भर दो, सारे ले आओ। मेरी बेबी के लिए सब खिलौने आएंगे, चारे खिलौने आला, देखो जो ना मेरे बच्चों, ओ नो 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 नो, आला ला 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 ला। कहाँ है शमा? वो तो वापस नहीं आई हैदराबाद से। जी क्या कर रही है वहाँ, वापस क्यों नहीं आ रही है? जी पता नहीं, शो वो करती है, वो हमें नहीं बता के। शमा हाँ कैसे बोलो? शमा बाजी वो फिर से आया था जमील, आपका बार बार पूछ रहा है मुझसे। जी वो माँ से, माँ से बात कर रहा था अपनी। फोन निकाल, फोन निकाल।
छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। कहाँ चुप कर बैठी है तू? ओ, तो तुम हो जमीन। तुम्हें मेरे घर में आग लगाई है, जान से मार दूंगा मैं तुझे। हाय, तुम मुझे क्या मारोगे? मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ तुम पर। जब मैं तुझसे मिलने आ गया था, तूने क्यों किया ये सब कुछ? बोल, किसके कहने पे कर रही है? लंबी कहानी है मेरी जान, किस दिन फुर्सत में बताऊं। लेकिन फिलहाल तुम आशी को तलाक दे दो। बकवास बंद कर अपनी, और शराफत से जाके आशी को सब कुछ सच सच बता, वरना खुदा की कसम जान से मार दूंगा मैं तुझे। तुम कत्ल कर ही दो मुझे। कहां छुप के बैठी है? बोल। हेलो, कहाँ है? मेरी सिर्फ फोन पे बात होती जी, मुझे नहीं पता इनके बारे में। सिर्फ फोन पे बात होती है? चल साथ, पुलिस स्टेशन जाएगा, सब कुछ सच बताएगा। देखो चल, खुदा ही कहता मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ फोन पे बात होती है। आराम से, आराम से। ठीक है, अब तुम आराम करो। एंड थैंक्स फॉर, तुमने मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी दी, और अब मैं तुम्हें खुशियां दूंगा। खूब खाओ पियो और मजे करो, और अपनी सेहत का ख्याल रखो। हम 2 महीने के लिए यूरोप जाएंगे, जितना दिल चाहे घूमना करें, जब तक तुम थक नहीं जाओगी ना, हम वापस नहीं आएंगे। देखा तुमने, पापा कितने खुश है। मैं यही चाहता था। अब इंशाल्लाह हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और बहुत शानदार जिंदगी गुजरेगी। अच्छा ये बताओ कि गिफ्ट में तुम्हें क्या चाहिए? गिफ्ट? ऑफ कोर्स गिफ्ट। भाई तुमने हमें बेबी दिया है, हम तुम्हें गिफ्ट देंगे। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए एक शानदार सी गाड़ी खरीदूं, और आपा की तरफ से तुम्हें ऐसा गिफ्ट मिलने वाला कि तुम सारी जिंदगी के लिए खुश हो जाओगे। अब तुम आराम करो, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखो, किसी चीज की जरूरत हो तुम जाना। पूरे दिन से संभाल रही है, मुझे दे दें। तुम होती कौन हो? पापा मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरा बच्चा है, तुम तो ये बच्चा चाहती नहीं थी। ना 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 बेबी, आपा बच्चा रो रहा है, मुझे दे दे। हटो यहाँ से, बच्चा मेरा है। आपा आशी रोती जा रही है, बताती क्यों नहीं हुआ क्या है? अम्मा जमीन ने दूसरी शादी कर ली। हाय मैं मर गई, ये क्या कह रही है तू? ठीक कह रही हूँ, एक शमा नाम की औरत से 3 महीने से निकाह किया। आशी बगैर देखे उस पर शक ना कर, वो तो बड़ा सीधा साधा सा लड़का है, बगैर सबूत के इल्जाम ना लगा उस पर। अम्मा वो सीधा साधा नहीं रहा, सब सबूत है, सब सच है। शमा ने मुझे उन दोनों की तस्वीरें और निकाहनामा भी भेज दी। मैं तो समझ रही थी आशी के तू बहुत खुश है, तुम दोनों में बहुत प्यार है,
हालांकि मैं इस शादी से बिल्कुल राजी नहीं थी, लेकिन मैंने कभी भी दखल अंदाजी नहीं दी, इसलिए कि मैं सोचती थी कि तू खुश है। लेकिन उस जमील ने दिखा दी ना अपनी औकात, उतर गई खाल सांप की और नजर आ गई उसकी असलियत। मैं बहुत बड़ा धोखा हूँ, तो उसे अपना सब कुछ समझकर अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजार रही थी, लेकिन उसने। आशी, वैसे मैंने तुझे बहुत समझाया था कि कव्वे के बच्चे कभी हंस नहीं बन जाते। शोधापन और कम जर्फी तो जमील के खून में शामिल थी। तू ही सांप को दूध पिला रही थी और मुझे पूरा यकीन था कि वो सांप एक दिन तुझे ही डसेगा। सब खत्म हो गया। अरे कुछ खत्म नहीं हुआ आशी। मैं कहती हूँ उठाइए अपना सामान और चल मेरे साथ। अगर तूने पहले मेरी बात मानी होती ना, तो आज तुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अरे इस गलीज आदमी को छोड़, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता है। गुनाहगार आदमी के साथ तू रहेगी ना, तो तू खुद भी गुनाहगार बन जाएगी। तुम जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी। ठीक है, अगर तुझे इस गंदगी में रहने का शौक है ना, तो बड़े शौक से रह। अब नहीं बोलूंगी तुझे, तुझे समझाने का वक्त गुजर गया। वैसे नाम क्या उस औरत का? शमा। तू है, नाम ही बाजारी है, मुझे तो कोई तवाइफ ही लगती है। अगर तू फिर भी उस तवाइफ के साथ इस घर में रहना चाहती है ना उसकी सौतन बनकर, तो 100 दफा रो। मेरा तो काम था तुझे समझाना बस। कभी तंग आया कभी मंग आया, कभी तंग आया कभी मंग आया। तुम एक धोखेबाज और मक्कार इंसान। उसके पास तुम्हारा उसका निकालनामा मौजूद है, उसके पास सारे सबूत मौजूद है। वो मुझे लाकर दिखाएगी। तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है वो। छोड़ दो मुझे जमी, और तुम अब इस घर में शमा को लेकर आओ। मैं यहां एक मिनट और नहीं रुकूंगी। आशी प्लीज, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं यार। जमील, इससे तो अच्छा था कि हम गरीब ही रहते। तुम्हारी तबीयत में अयाशी तो ना थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने दूसरी शादी क्यों की। अच्छा, तुमको पता है मैंने दूसरी शादी क्यों की? जरा बताओ मैंने क्यों की है दूसरी शादी? क्योंकि मिस कैरेज के बाद डॉक्टर ने कहा कि शायद मैं दोबारा मां ना बन सकूं। बस यही एक कमी थी मुझे, और इसी बात का डर था मुझे। फरा, तुमने खुद ही कहा था कि तुम बच्चे को नहीं पालोगी, आपा पालेंगे। फिर क्या मसला? मैं बच्चे को फीड कराना चाह रही थी, उसे गोद में उठाना चाह रही हूँ। सब कुछ आपा कर रही है ना? क्यों? मैं उसे गोद में नहीं उठा सकती क्या? उठा सकती हो, लेकिन तुम्हें तो बच्चे पसंद नहीं है। बताओ, ये सब तुमने कहा नहीं था? मैंने कहा था, मगर वो बच्चा तो मेरा है ना। नहीं, ये अब तुम्हारा बच्चा नहीं। क्या मतलब? तुम भूल गई हो फरा, अस्पताल जाने से पहले तुमने एक पेपर साइन किया था। ये बच्चा तुम्हारा नहीं रहा। तुमने ये सब तुम्हारे कहने पे किया फर। तुम्हें बच्चे की जरूरत नहीं थी, आपा को थी, इसलिए उन्होंने अडॉप्ट कर ली। शोर बिल्कुल नहीं करना।
जरूर करेगी, तब नुकसान उठाएगी और मैं तुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। बड़ी खूबसूरत है तू। गले में फंस गई हड्डी की तरह, ना निकलते बनती है ना उगलते। और ये जो तेरा मोटापा है ना, जरा हिला जुला कर ताकि गोश्त का पहाड़ कुछ कम हो। प्लीज मुझे जाने दो।